जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग लोहारका मीडिया और इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए इस स्टॉक में तकरीबन एक दिनों में आज 7% का आसपास गिरावट देखने को मिला है। ये काफी बड़ी गिरावट है। सामान्यतः स्टॉक्स में जो गिरावट होते हैं बहुत से ज्यादा हो गए, फिनिश स्टॉक में बात करें ज्यादा से ज्यादा 5% के आसपास गिरावट देखने को स्टॉक में मिलता है। 5% भी पूरा नहीं होता है, 4.5% के आसपास ही होता है। लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में देखेंगे तो आपको तकरीबन 7% के आसपास आज एक दिन में इसमें गिरावट देखने को मिला। और पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड ही है। तो इसी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है, जो प्राइस लगता है नीचे जा रहा है, कब तक चलेगा, ये जो प्राइस नीचे जा रहा है कहाँ पे जाके प्राइस ठहरेगा और फिर वहां से प्राइस थोड़ा ऊपर निकले कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, जो नए भी हैं और जो पुराने भी हैं, उनको थोड़ा राहत मिल सके। प्राइस को बहुत समय हो गया है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को ऊपर की तरफ जाते हुए, थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ग्रीन में देखते हुए। तो चलिए इन्हीं सारी मुद्दों को इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को ही देख लेते हैं। देखिए दो ही तीन चीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी का काम क्या है, काम के बेसिस पे ये एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम कैसा है, उसके हिसाब से काम में आगे ग्रोथ बनने के मतलब काम में यदि ग्रोथ रहेगा आगे तो कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांस रहेंगे। दूसरा देखते हैं फंडामेंटल और तीसरा देखते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में चार्ट आ जाता है, चार्ट के माध्यम से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी तमाम चीज़ों को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो पहले टेक्निकल देख लेते हैं, फिर काम और फंडामेंटल के बेसिस पर और तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि लोहारका मीडिया में हमें क्या करना है। पहले चार्ट क्या बोलता है तो उसके लिए देखिए एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब ध्यान से समझिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, चलिए यहाँ से लाइन को इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। चार रुपये का लेवल और फिर एक लाइन ये 4.5 रुपये का लेवल, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया ध्यान से समझिए। अभी सबसे पहली बात कि प्राइस इसी रेंज में आपको घूमते हुए दिख रहा है, कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा इस लेवल पे देखेंगे आप तो इसने मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट भी लिया हुआ है और नीचे से देखें तो रेजिस्टेंस भी है। सेम इस लाइन को देखिए, ये ऊपर से देखेंगे तो इसके लिए ये भी एक सपोर्ट है और क्योंकि प्राइस अब नीचे से फिर इस पे जाएगा तो ये प्राइस इसके ये जो लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि जो ऊपर वाला लाइन हो गया इसको रेजिस्टेंस कह देते हैं और नीचे वाले लाइन को सपोर्ट कह देते हैं। अब ध्यान से समझिए, होता क्या है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, जैसे ये अभी इसमें फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा तो 90 से 95% चांस होता है प्राइस को ऊपर जाने का। यानी कि इससे जब बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा न कि नीचे आएगा। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है उसको, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मेजर जो प्रोबेबिलिटी है प्राइस को ऊपर जाने की है। अब रही बात प्राइस कितना ऊपर जा सकता है इसमें से बाहर निकलने के बाद, देखिए जब प्राइस इस लाइन से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे इसके ऊपर कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। प्राइस जितना लंबा समय बिताता है किसी भी रेंज में, जब बाहर निकलता है तो उतना ही बड़ी मूव आने की उसमें उम्मीद होती है। तो ये जब बाहर निकलेगा ना तो ईली कम से कम ये जो लाइन है सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस 6 रुपये और फिर 6.5 रुपये कम से कम यहाँ तक के लिए तो आएगा। ये तो बीच बीच में ये थोड़े बहुत रुकआउट का काम करेंगे, प्राइस यहाँ पर नहीं रुके फिर तो प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको इसमें करना क्या है कि जिसका भी इन्वेस्टमेंट है अभी आप बने रहिए, क्योंकि प्राइस एकदम अपने क्रूशियल जोन पर ठहरा हुआ है। प्राइस अभी चाहे कितना भी एक दिन में गिरावट आ जाए, इस लेवल के नीचे जाएगा तो ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ तक आ सकता है, ये 3.80 रुपये के लेवल तक इसके नीचे आने के चांसेस नहीं, या थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट हो ही रहा है 3.5 रुपये के लेवल तक आ सकता है, क्योंकि 3.5 रुपये तक यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, लेकिन यहाँ तक आने के चांस कम है। और मान लीजिए आप ही गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, 50 पैसा नीचे आ गया तो मानता हूँ थोड़े बहुत आपको घबराहट होगी, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि कंसोलिडेशन रेंज में है, देखिए यहाँ से ये देखें तो टोटल यहाँ तक का जो एरिया है पूरा ये कंसोलिडेशन फेज है। मैंने तो सिर्फ यही दो लाइन बताया, असल में तो मेन जो है ये यहाँ से यहाँ तक का कंसोलिडेशन एरिया, तो ठीक है 3.5 रुपये तक लेवल तक आ सकता है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो निश्चित ही प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपके सारे लॉसेस को ये स्टॉक रिकवर कर देगा। इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है कि यहाँ पे बाई किया हो, कोई हो सकता है एकदम यहाँ पे बाई किया हो, हम सबसे बुरा से बुरा सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए एकदम आप टॉप पे बाई किए हैं, फिर भी आपको मैं कहूँगा कुछ दिन और होल्ड कीजिए। प्राइस जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता, इस लेवल के नीचे आएगा फिर भी आप हाफ ही क्वांटिटी बेच सकते हैं, हाफ क्वांटिटी ही बेचने की आपको सलाह दी जाएगी और हाफ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर का स्टॉक है उस सेक्टर में ग्रोथ आएंगे, उस सेक्टर कभी बंद नहीं होगा। और ग्रोथ क्या, ग्रोथ पे काम चले, ग्रोथ तो हो ही रहा है दिन प्रतिदिन। रही बात इस स्टॉक की ग्रोथ की तो उसके लिए हमें फंडामेंटल देखना होगा और वो लॉन्ग टर्म की बात हो जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बात बता रहा हूँ कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट तो बने रही, जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो अब आप इसके निकलना चाहते हो तो निकलेगा, वरना लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आगे मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस तो लोग समझ गए, लोहारका मीडिया और इंफ्रा लिमिटेड काम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं काम के बारे में बता देता हूँ। पहले ये मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करते थे, लेकिन अभी ये कंपनी जो है इंगेज्ड है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि NBFC कंपनी है और लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। हालांकि नाम में मीडिया लगा है उस पर नहीं जाना है,
ये जो कंपनी का काम है एनबीएफसी, ये काफ़ी मतलब प्रचलित हो रहा है इन दिनों, और आगे इस सेक्टर में ग्रोथ रहेंगे, और फाइनेंस का सेक्टर में हमेशा ही ग्रोथ रहता है। तो काम के बेसिस पे भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस रहेंगे। और जो फंडामेंटल की लोग बात कर रहे हैं तो मार्केट कैप तो बहुत कम है, क्योंकि शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा, इसलिए इसकी उतना चिंता नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे जो कमाल की बात है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 5% के आसपास है, यानी कि एक छोटा सा स्टॉक में सामान्यतः इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं हो, रिटर्न जो देख रहे हैं आप इतना नहीं होता, कम होता है। बहुत से जो स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक वो तो माइनस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन प्लस में है और तकरीबन 4.5% से ज़्यादा, यानी 5% के करीब। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी इतना परसेंट रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है साल भर में। और बाकी चीज़ जो देखें तो प्राइस जो है कंपनी का वो इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यह भी प्लस पॉइंट है। यानी कि ओवरऑल सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं इसका फंडामेंटल हमें गुड नज़र आ रहा है, तो कंपनी का फंडामेंटल भी बढ़िया नज़र आ रहा है, कंपनी का काम तो ठीक है, और प्लस जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बातें निकल कर सामने आ रही है वो भी मैंने आपको चार्ट पर बता दिया है। फैसला आपका है, आपको क्या करना है। मन में कोई सवाल है, कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दूंगा, आपके सभी लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।